और हमने पहले यहीं से करनाल से ही तैयारी करनी शुरू की थी, स्टेट लेवल की तैयारी की, फिर नेशनल में गए, नेशनल में हमारी थर्ड पोजीशन आई। हमारा जो 200 मीटर का इवेंट था उसमें हमने मिक्स में गोल्ड और क्या नाम है बॉयज़ वाली में सिल्वर लिया था, हमारी थर्ड पोजीशन बनी, वहाँ से हमारा सिलेक्शन हुआ, हमारे दो बच्चों का सिलेक्शन हुआ। हम फिर कोलकाता ट्रायल के लिए गए, कोलकाता ट्रायल के बाद फिर से हम वहाँ पे कोलकाता में हमारा 1 महीने के लिए कैंप था, 20 दिन के लिए कैंप था, तो 1 महीना या साथ में कंपटीशन भी था, तो टोटल 1 महीना हम वहाँ बाहर थे। तो वहाँ पे हमारे जो इंटरनेशनल कोच थे उन्होंने भी हमारी अच्छी तैयारी करवाई, तो जिस बदौलत हम आज मेडल लेने के काबिल हुए। कौन सी प्रतियोगिता थी, कहाँ खेलने गए थे? ये वर्ल्ड चैंपियन 16वीं वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता थी जिसमें हमारा मेडल आया है। ये हर 2 साल में एक बार होती है, अगली जो हमारी नेक्स्ट है वो 17वीं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई जर्मनी में होगी। तो आपका कौन से इवेंट में आया है? हमारा 500 मिक्स में आया है, 10 बोर्ड स्मॉल बोर्ड में। प्रतियोगिता में कौन सा मेडल आपका आया है? सर मेरा नाम साहिल जायसवाल है, हम वो थाईलैंड गए थे, पटाया रियोंग में हुआ था हमारा कॉम्पिटिशन, ये वर्ल्ड वर्ल्ड ड्रैगन बोट चैम्पियनशिप थी 16, इसमें हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया था 2000 मीटर में, मिक्स रेस थी हमारी, मिक्स में था मेडल हमारा ये, और हमारी तीन वो हुई थी हमारी रेसें, 3 बार उनमें टाइमिंग निकाल दी तीनों में, उनके आधार पर मेडल मिला हमें। कितने देशों की टीमें आई थी, कंपटीशन कितना टफ था? कंपटीशन तो सर बहुत टफ था सर, वहाँ पे 26 कंट्री आई थी सर, और वहाँ पे पहली मतलब हमारे इसमें फर्स्ट कंट्री था कनाडा का था गोल्ड मेडल, सेकंड का यूएसए का था, थर्ड का इंडिया का था सर। तो आगे कौन कौन से टूर्नामेंट है जिनकी तैयारी चल रही है? सर आगे हमारा एशियन गेम्स है सर और ये नेशनल गेम्स है सर, ये इनकी तैयारी चलेगी सर अभी। तो करनाल में आप कहाँ से तैयारी करने के लिए आए हुए हैं? मैं सर रोहतक का हूँ, रोहतक से आया हूँ सर। गेम क्या रहती है, गेम के बारे में कुछ बताएं, किस तरीके से पूरी गेम खेली जाती है? सर इस बोट में, स्मॉल बोट में सर तुम वो 12 बच्चे होते हैं सर, 10 पैडलर्स होते हैं, एक स्टेरर होता है, एक ड्रम होता है सर, ये होता है सर। तो आपकी 200 मीटर थी? यस सर 200 मीटर थी। तो कितने सालों से आप खेल रहे हैं? सर मैं 3 सालों से कर रहा हूँ सर, कोसा प्रैक्टिस करवाते हैं सर। ये सर अभी हमारे जो बच्चे हैं 16वीं वर्ल्ड ड्रैगन बोट चैंपियनशिप थी जो थाईलैंड के रियांग शहर में हुई थी, और हमारे हरियाणा से हमारे क्लब के 2 बच्चे थे, एक साहिल देसवाल और हर्ष गर्ग, जिन्होंने भारत का वहाँ प्रतिनिधित्व किया और सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके आए। और हमारे सर अपना जो टारगेट है नेक्स्ट, अभी हमारे नेशनल गेम होना है, उसके लिए उत्तराखंड में हमारे क्वालिफाई ट्रायल होने हैं, तो अभी हमारी उसकी तैयारी चले, और उसके बाद सर एशियन गेम है, तो हमारे जो 2 नेक्स्ट टारगेट है उन पर हमारा पूरा फोकस है, और हमारे बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपने इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके आए। बेटियाँ मेडल लेके आ चुकी है, और हम हमारे 2 बच्चे जो साहिल देसवाल है रोहतक से, और जो हरीश गर्ग है करनाल से, ये मेरे पास 3 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, और जो हरीश गर्ग है 5 साल से मेरे पास प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितने एक बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस? अपने पास यहाँ सर 100 से भी ज़्यादा बच्चे हैं सर, और खेल नर्सरी भी मिली हुई हमें गवर्नमेंट की, और मैं यहाँ पे जितने भी हमारे सहयोग कहते हैं ना कि आपको कामयाब करने के लिए अगर किसी का भी हाथ उसमें, चाहे इरीगेशन है, उनके एक्सलेंट डिपार्टमेंट, उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्यों हमें उन्होंने नहर पर परमिशन दी और सीएम साहब ने सामने सर बच्चों का पूरा धूमधाम से आज आप देख रहे हो, और आपके इसमें ही बच्चों का ढोल नगाड़े से हम स्वागत कर रहे हैं, ताकि और बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले और वो भी आगे बढ़ चढ़ करें, अपने बच्चों को आगे भेजे और वो भी अपने देश का नाम रोशन करें।